गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम विज्ञान में पाठ दो सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु के आगे का भाग पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में जो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग है, वो रोग मानव में कौन से किस नाम से उसको जाना जाता है और उसका कारक कौन सा सूक्ष्म जीव है, साथ ही संचरण का तरीका मतलब किस प्रकार से वो हमारे शरीर तक फैलता है और बचाव के उपाय उससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो सबसे पहला है क्षय रोग, जिसे टीबी कहा जाता है। ये जीवाणु से होता है, ये वायु के तरीके से हम तक पहुंचता है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, ये इसका उपाय है। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण। इसके बाद आता है खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो। ये तीनों ही वायरस के द्वारा होते हैं। ये वायु से सीधे संपर्क कर जल के द्वारा भी, जैसे पी लिया जल के, सॉरी पोलियो जल और वायु के द्वारा, चिकन पॉक्स वायु और सीधे संपर्क में, और खसरा वायु के द्वारा। इसका भी उपाय यही है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उसे अलग से उसका पूरा सामान रखना, उसे किसी से मिलने ना देना और साथ ही टीकाकरण करवाना। इसके बाद आता है हैजा, जो जीवाणु से होता है। ये जल और भोजन के द्वारा हो सकता है। और टाइफाइड, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें भी तरीका क्या है, जल के द्वारा। व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना, हमेशा साफ और स्वच्छ वातावरण में रहना, गंदा भोजन दूषित भोजन नहीं करना, भोजन को हमेशा ढककर रखना, जो हम जल पीते हैं जो पानी पीते हैं उसको भी ढककर रखना, साफ और स्वच्छ स्थान पे रखना। जितना हम सफाई का, अच्छी आदतों का ध्यान रखेंगे, उतना हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस के द्वारा होता है और इसका भी संचरण किसके द्वारा होता है, किस तरीके से द्वारा होता है, जल के द्वारा। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण। आखिरी जो इसमें पॉइंट बताया है रोग, वो है मलेरिया। ये प्रोटोजोआ यानी मादा एनोफेलिस मच्छर के कारण काटने से होता है। इसलिए जब हमने इसके बारे में पढ़ा था तो क्या बताया था मैंने आपको, कि मच्छरदानियों का हमें प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, पानी को हमारे घर के आसपास जमा नहीं होने देना चाहिए, बर्तन हमेशा ढककर रखना चाहिए। मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को भी किसी भी स्थान पर एकत्रित करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि मच्छर के जो अंडे हैं वो इसी प्रकार के जल में क्या है, पनपते हैं, और उसमें से जो मादा एनोफिलिस नाम का मच्छर है वो हमें क्या, कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है हमारे शरीर में प्रवेश कर, उसका मलेरिया। इसका सूक्ष्म जीव कौन है, प्रोटोजोआ। तो मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य जो रोग है उसके बारे में अभी हमने जाना। अब हम जानेंगे कि जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कैसे होता है। तो रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। कब की थी ये, 1876 में। और किसने की थी ये खोज, रॉबर्ट कोच ने। किसकी खोज की थी, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक बनता है। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधों में नहीं रोग फैलाते, वरन ये दूसरे जंतुओं में भी क्या कर देते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर क्या दिया है, एंथ्रेक्स, जो मानव एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर मुँह का रोग वायरस द्वारा होता है। किस किस में होता है, जीव जंतुओं में। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ चावल आलू गन्ना संतरा सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक बनता है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। पादप रोग में इसमें हमने दर्शाया गया है, पेज नंबर ये दिया है तालिका 2.2, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। इसके कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये तालिका है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा
पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में बताया है। जैसे पहला जो पादप रोग है, पौधों का रोग है, वो है नींबू कैंकर। ये सूक्ष्म जीव जीवाणु के कारण होता है और इसका संचरण किस में होता है? वायु में। इसके बाद आता है गेहूँ की रस्ट, सूक्ष्म जीव कवक है, वायु एवं बीज में। भिंडी की पीप वायरस कीट। खाद विषाक्तन, बुजों के एक मित्र ने वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। अब बुजों ने क्या किया, एक मित्र ने उसे पार्टी पर आमंत्रित किया और बुजो वहाँ पर खाना खाने के लिए गया। अब उसने बहुत प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि इसने खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है, मतलब इसने क्या किया है, दूषित भोजन खाया है, जिसकी वजह से इसे क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और यह भोजन क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, और जिसके सेवन से व्यक्ति में भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित यानी दूषित होने से बचाएं। खाद्य परिरक्षण। अब एक अध्याय में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपायों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके पहले वाले अध्याय में हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, तो खुले और नम स्थान पर रखी ब्रेड तो जब हम इसे छोड़ देते हैं तो कवक आक्रमण कर देते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है। कई बार हम देखते हैं ना कि कभी हम भूल से हमने भोजन ऐसी कुछ छोड़ दिया, तो ज़्यादातर ये गर्मियों के मौसम में होता है, तो ठंडे मौसम में क्या है, हम उसको आसानी से उसको रख सकते हैं, लेकिन जब वो भोजन बासी हो जाता है तो कई बार क्या होता है, उसमें एक अलग सी स्मेल आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, और इससे हमें पता चल जाता है कि भोजन क्या हो गया है, ख़राब हो गया है, यानी उस पर किसने आक्रमण कर दिया है, सूक्ष्म जीवों ने। पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं पाई। बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संतुष्ट नहीं होता, वह भ्रमित है। आइए हम इसके लिए कुछ परिरक्षण के कुछ तरीकों का अध्ययन करते हैं जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय में करना चाहिए। सबसे पहले रासायनिक उपाय। नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य तरीके हैं। क्या करते हैं हम, कई बार नमक का छिड़काव अचार में और खाद्य अम्लों में कर देते हैं। नमक क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। हम दालों में या अनाज में क्या रखते हैं, खड़ा जो नमक होता है, नमक की सूखी डंडी जो होती है उसको भी रखते हैं, तो उससे भी कीड़े होने से वो वस्तुएं बचती हैं। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये सामान्य परिरक्षक है। जेम और स्वैक्ष या बनाने में इसका रसायन का उपयोग किया जाता है। जेम जो बनता है और अचार बनता है उसमें हम नमक का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं ताकि हम उसे ज़्यादा दिन तक खा सकें। सामान्य नमक का उपयोग मांस मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम आंवला इमली परिरक्षण में भी किया जाता है। फिर आता है चीनी द्वारा परिरक्षण, जेम जेली स्वैच का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धियों को नियंत्रित भी करता है। तेल और सिरके का प्रयोग भी इसी में किया जाता है। यह भी क्या होता है, सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। जीवाणु जीवित नहीं रहते। फल सब्जी मछली मांस का परिरक्षण इसी विधि द्वारा होता है। गर्म और ठंडा करना, आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, उबालने से उसके सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
फिर हम भोजन को क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सके। उसी तरह हम दूध का पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, मुक्त होता है ये सूक्ष्म जीवों से, क्या होता है, मुक्त होता है। 70 डिग्री सेल्सियस से 15-30 सेकेंड के लिए हम उसको गर्म करते हैं। अब ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पाश्चरीकरण। तो पाश्चरीकरण की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने, जिसने दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15-20 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर सकते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। फिर आता है भंडारण और पैकिंग। आजकल मेवे और सब्जियां भी अब वायुरोधी सील की जाती हैं और पैकेट में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव से उनकी सुरक्षा की जा सके। यहाँ तक इस लेसन को पढ़ना है, आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।